यदि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है या नॉर्मल रेंज में है तो आपकी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट होगा, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है वो होगा कि आपकी जो मसल्स हैं उसमें पावर होगी, मसल्स गेन होगी, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पावर होगी आपकी मसल्स में। आप देखिए, 20 साल का जब आप प्यूबर्टी में जाते हैं, मतलब आप किशोरावस्था में जाते हैं, तो आपकी जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं पावर रहती है, मसल्स में पावर रहती है, आपकी जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ रहती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है। तो वो इसके पीछे यही कारण है क्योंकि उस समय जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हाई रहता है। और यही चीज़ हम उलट देखें एक ओल्ड एज में, मतलब ये मान के चलिए आप 45 साल के बाद या 50 साल के बाद जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है, ये नॉर्मल है, तो देखिए मसल्स कहीं ना कहीं सिकुड़ जाती है और जो ताकत रहती है मसल्स में वो नहीं रहती। यही अंतर होता है, कहते हैं जवानी और बुढ़ापे में सारा खेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है कि जवानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आती है और बुढ़ापा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने की वजह से आता है। और ये नॉर्मल है। पहला तो हो गया मसल्स, सेकंड होगा फैट, जो आपका बॉडी का फैट है वो कम रहेगा, मतलब कि आपके जो पेट पर चर्बी कम रहेगी। आप देखिए अपना आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल के लड़के को या 15 साल के लड़के को, 18 साल के लड़के को कहाँ बॉडी में फैट होता है, बिल्कुल फिट रहता है वो, स्लिम रहता है। आप यदि बात करें 50 साल के आदमी को, उसकी कहीं ना कहीं पेट निकला रहता है, मसल्स लूज रहती हैं, जो बूब्स है वे बढ़ जाते हैं। तो यही रीजन है कि जो एक प्यूबर्टी एज है, 20 साल हम नॉर्मल कहते हैं, 20 साल का जो लड़का है उसको फैट नहीं होता, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई, जितना हाई रहेगा आपकी बॉडी से फैट उतना कम रहेगा, ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मोर एनर्जी। मोर एनर्जी का मतलब है कि आप एनर्जेटिक रहेगी। वही मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, एक यंग लड़का है 20 साल का, 25 साल का, वो देख कितना एनर्जेटिक रहता है, वो थकता नहीं, कितना भी काम कर लो पूरा दिन इधर से उधर भागता रहता है, वो कम भी सोता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, वो कम भी सोता है और तब भी एनर्जेटिक रहता है। लेकिन एक 50 साल का आदमी, वो सोता भी बहुत है लेकिन तब भी हर समय थका थका रहता है, उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो कहीं ज़्यादा भाग दौड़ कर सके। मैंने एज इसलिए एक एज लिया है, जैसे एक 20 साल और एक 50 साल, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई रहता है, यानी कि 20 साल में, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी जो सेक्स ड्राइव है, मतलब सेक्स ड्राइव है कि आप में जो सेक्स है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सेक्स डिजायर भी ज़्यादा होगी, आपको शीघ्र पतन भी नहीं होगा, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी नहीं होगा। वही बात हम करें 50 साल में, वहां पर जो होता है वो सेक्स ड्राइव कम रहती है, क्योंकि ये देखिए सारा खेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। मैं कहता हूं इंसान जो आदमी है, मेल की बात करें हम, सारा खेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा है ना, तो मैं जी नहीं लगता कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी होगी। आप देखिए 20 साल का जो लड़का रहता है वो कितना एनर्जेटिक रहता है, हेल्दी रहता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसमें सेक्स डिजायर भी ज़्यादा रहती है। और मैं जितने केस देखता हूँ डेली में, कितने केस देखता हूँ, तो मैं ज़्यादा केस देखता हूँ वो 30 साल या 35 साल के बाद के देखता हूँ। 20-22 साल का लड़का बहुत रेयर है, उसमें भी हम देखते हैं कि इसको वाकई प्रॉब्लम है या नहीं है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ठीक करते हैं। लेकिन 20-22 साल या 18 साल के लड़के को कभी भी इतनी सेक्स प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 40 साल के बाद आप देखिए सेक्स प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जितने हमारे पास पेशेंट है वो ज़्यादातर 35 से 40 साल के बाद के, 99%, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है, वो देखिए वो हर समय खुश रहता है, हैप्पी रहता है, उसका जो मूड है वो ठीक रहता है। इसके पीछे हार्मोन काम करता है डोपामिन। देखिए डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है तो जो डोपामिन है वो भी ज़्यादा निकलता है, मतलब दोनों एक साथ जितना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है उतना ही डोपामिन निकल रहा है। तो जितना डोपामिन निकल रहा है इतना मतलब कि आप इतना ही हैप्पी रहेंगे, मतलब इतना ही आप खुश रहेंगे। आप देखिए जितने भी ओल्ड एज में जाते हैं कहीं ना कहीं चिड़चिड़े रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, लेकिन एक 18-20-22 साल का लड़का वो बिल्कुल खुश रहता है, उसको कोई इतनी टेंशन नहीं है, बेफिक्र है,
ठीक है ना। लेकिन एक 50-60 साल का जो आदमी वो कितना टेंशन रहेगा, चाहे उसके पास कितनी भी उसके पास पैसा हो या कितना भी उसके पास हर चीज़ से वो संपन्न हो, लेकिन आपको वो स्ट्रेस मिलेगा। लेकिन एक 20-22 साल का लड़का चाहे वो गरीब भी हो, लेकिन वो तब भी आपको खुश मिलेगा। इसके पीछे भी यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। नेक्स्ट है, जो जिसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है वो हर समय जोश में रहता है, एग्रेसिव कह सकते हैं इसको, एग्रेसिव रहेगा, जोश में रहेगा, वो स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा, वो पढ़ाई में अच्छा रहता है, वो यदि कोई बिजनेस करता है उसमें अच्छा रहता है, मतलब हर समय जोश में भरा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ना एनर्जेटिक या एग्रेसिव, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसमें गुस्सा भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गुस्से से भरा रहेगा, मतलब गुस्सा हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, वो एग्रेसिव रहेगा, अलर्ट रहेगा, ये कह सकते हैं हम, ठीक है, ढीला ढाला नहीं रहेगा। वही बात करें हम जिसमें, जो मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ आपको, कि जो 50-55 साल का होता है वो कहाँ एग्रेसिव है, वो तो ना तो स्पोर्ट्स में, ना बिजनेस में, ना पढ़ाई में, कहीं में भी वो एग्रेसिव नहीं है, कहीं भी जोश नहीं रहता उसमें। नेक्स्ट है हेल्दी इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका हिंदी में कही प्रतिरक्षा प्रणाली ज़्यादा हिंदी बोल दी, इम्यून सिस्टम वो बिल्कुल फिट रहेगा। देखिए वही बात मैं बता रहा हूँ, 20-22 साल के लड़के को कौन सी बीमारी होती है, बिल्कुल ठीक रहता है, बिल्कुल फिट रहता है, कुछ भी खाए कुछ भी पिए, कोई ऐसी कोई ध्यान नहीं देता डाइट पे या कोई अपने खाने पीने पर, तब भी वो फिट रहता है। कोई बीमारी थोड़ा होती है, कोई इसको बीपी नहीं है, कोई इसको शुगर नहीं है, कोई इसको थायराइड नहीं है, ठीक है ना, कोई बुखार नहीं रहता है। लेकिन आप देखो 50 साल के बाद बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या, कैंसर वैंसर, कितनी बीमारी आ जाती है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक चलता है हमारे बॉडी में, ये सब नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल है, उस एज में नॉर्मल होता है और सभी के साथ होता है, ठीक है, बीमार नहीं पड़ता है भाई। 20-25 साल का लड़का कौन सा बीमार पड़ता है, एक रेयर है वो एक अलग बात है, लेकिन कितना बीमार पड़ता है। नेक्स्ट है अभी मैंने बताया हेल्दी हार्ट, मतलब उसका हार्ट हेल्दी रहेगा। हर्ट क्या है, मतलब हमारा दिल क्या है, एक मसल्स ही तो है। मसल्स क्या, हर्ट क्या काम करता है, हमारी बॉडी को पंप, मतलब हमारी जो ऑर्गन है सबको पंप करेगा, खून पहुंचाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन से मिला हुआ खून हमारे ऑर्गन को पहुंचाएगा। आप देखिए 20 साल के लड़के को कौन सी हर्ट की बीमारी होती है, वो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, कोई इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई इसको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके वाल बंद नहीं है, कोई इसको हाई बीपी नहीं है। लेकिन आप देखिए 45-50 साल के बाद सब मैक्सिमम लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनका हार्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है। नेक्स्ट है हेल्दी ब्रेन, जैसे हार्ट की हमने बात करी, दिल की हमने बात करी, ऐसे ही हेल्दी ब्रेन रहता है। हेल्दी ब्रेन का मतलब जो एक 20-22 साल के लड़के की जो मेमोरी है वो ज़्यादा होगी, शार्प रहेगी, उसको जो पढ़ाई करेगा उसको पढ़ाई में भी मन लगेगा, वो जो पढ़ाई करेगा वो भी याद रहता है, ठीक है ना, उसकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, मतलब दिमाग का काम वो आराम से कर सकता है, थकता नहीं उसका दिमाग, चाहे वो कुछ भी काम करे, माइंड का मेंटली काम करेगा तो वो थकता नहीं है। वही बात करें मैं 50 साल का, वो थोड़ा सा मेंटली वर्क करेगा वो थक जाएगा, ऐसे ढीला पड़ जाएगा, पढ़ाई करेगा तब ढीला पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मेंटली वर्क ज़्यादा करता है 20-22 साल का लड़का, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उस समय पीक पर रहता है, मतलब हाई रहता है। नेक्स्ट है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है, उसके जो जेनिटल हैं वे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब टेस्टिकल्स हैं वे बड़े रहेंगे, उनका जो पेनिस है वो बड़ा रहेगा, ये ऑटोमेटिक है उस एज में। लेकिन जैसे ही एज ज़्यादा होती है तो देखिए जो बड़े आदमी होते हैं 50 साल के बाद, उनका ऑटोमेटिक जो पेनिस है वो सिकुड़ जाता है, उनके जो जेनिटल है टेस्टिकल से भी सिकुड़ जाते हैं, तो नॉर्मल है क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। लेकिन जिसका हाई रहता है, मतलब यंग लड़के का, उसका कहीं ना कहीं जो जेनिटल है वे स्ट्रोंग तो रहेगी, स्ट्रोंग तो रहेगी, कुछ बड़े भी रहेंगे, साइज से भी बड़े रहते हैं, तो यही कारण रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। यदि आपका देखिए आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई रहना चाहिए यदि आपकी यंग एज है, ठीक है ना, इसलिए आप चाहे एक बार चेक करा सकते हैं, या आपको जो ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, यदि ये सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तभी भी आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम तो नहीं है, या तो आप टेस्ट करा लीजिए, ठीक है, किसी भी लैब रिपोर्ट पर वहाँ देख लीजिए आपको नॉर्मल रेंज है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर तो ट्रीटमेंट करा ही लेना,
या आप मुझसे जो स्क्रीन पर नंबर है मुझसे बात कर लेना। यदि आपको कोई ऐसी कोई लक्षण आ रहे हैं या कोई परेशानी आ रही है तो बेफिक्र होकर आप बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी मैंने बताया इसके मेजर बेनिफिट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होगा कि 10 मैं ऐसे बताऊंगा कि यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम है तो आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान होंगे। ये वीडियो तो आपने देख ही ली, वो वीडियो भी जरूर देख लेना। उसमें मैंने कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा बिना टेस्ट कराएं कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम तो नहीं है, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये चैनल जो आप देख रहे हो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, कहीं ना कहीं जो ये चैनल या जो मेरी वीडियो है ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अपनी जितनी नॉलेज है मैं आपको देना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इन वीडियो के माध्यम से मैं आपका पैसा और समय दोनों बचाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी बहकावे में आए और कहीं भटके जिससे कि आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करें। मैं बार बार इन वीडियो में यही बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं डेली बहुत पेशेंट डील करता हूँ और मुझे लगता है कहीं वे लूट रहे हैं, कहीं वे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और उनको कोई बीमारी है भी नहीं तब भी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।